हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार आदाब, मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए, मजा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बुधवार बाजार चौक में सामने आया बड़ा हादसा। कोर्ट से वापस घर लौट रही महिला वकील को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचला। महिला वकील की मौके पर ही मौत। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ खुला मोर्चा। हादसों का साबित हुआ बुधवार। आरंग के पास बस ट्रक की भिड़ंत, टक्कर में 5 सवारियों की मौके पर ही मौत। बढ़ सकती है हताहत लोगों की संख्या। और बस्तर के नारायणपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सली विचारधारा से तंग आकर 9 महिला माओवादियों ने डाले हथियार। आईजी विवेकानंद सिन्हा की मौजूदगी में हथियार समेत सरेंडर। जिले के भीतर जहां सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं शहर के बीचों बीच एक खूनी ट्रेलर ने एक महिला वकील को पहियों तले रौंद दिया। इस हादसे में महिला वकील सुनीता साहू की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को करीब दोपहर 2:30 बजे जिला न्यायालय से अपने घर मानस नगर जाने के लिए महिला वकील सुनीता साहू VIP सड़क से बुधवारी चौक के पास पहुंची ही थी कि मुड़ापार बाईपास की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार सुनीता को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयानक था कि महिला वकील की लाश ट्रेलर में फंसकर करीब 20 फीट तक घसीटती रही। इस हादसे में वकील का शव क्षत विक्षत हो गया। इसकी खबर जैसे ही वकीलों को लगी, वह मौके पर पहुंच गए और रास्ता जाम करते हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वकीलों की मांग थी कि घटनास्थल पर कलेक्टर और SP को बुलाया जाए, साथ ही उनका गुस्सा शव को वहां से हटाए जाने को लेकर भी था। ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का क्या हाल है, इस बात की मिसाल आपको पखांजूर के चाणक्यपुरी में देखने को मिल सकती है। यहां के सरपंच पर अनुप नाग ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही जनपद पंचायत के CEO को इस पूरे गड़बड़ झाले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पखांजूर दौरे पर आए विधायक अनुप नाग से ग्रामीणों ने लिखित शिकायत की थी कि गाँव के विकास और कल्याण के लिए भेजे गए पैसों का गबन सरपंच के द्वारा कर लिया गया है, जिस पर विधायक ने तत्काल CEO प्रकाश कुमार भारद्वाज को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने लामबंद होकर लिंक कार्यालय जनपद पंचायत पखांजूर को लिखित शिकायत करते हुए जांच की मांग की। सरपंच के विरुद्ध बहुत शिकायत है, क्योंकि वो काम हर कोई काम मशीन से करवाता है और आदमी का रोजगार गारंटी का कार्ड खुद स्वयं रखा है और पासबुक वो खुद फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा निकालता है और हर कार्यों में उसका घोटाला है। जो भी बिना काम किए उसका भी पैसा हनन कर लिया है और WBM सड़क पर मिट्टी मुलुमकरण का पैसा निकाल लिया है और शौचालय निर्माण में बहुत घोटाला किया है, उसका किसी का पैसा नहीं दिया, स्वयं उठाया पैसा और स्वयं खुद खा दिया और अपने आप को दबंग समझता है और किसी को नहीं मानता, पैसा दे के हर कुछ दबा देता है। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच का नाम कुसुम मंडल, लेकिन काम करता है उसका लड़का काम करता है, सुबल मंडल द्वारा काम करता है। सरपंच जो है कुसुम मंडल बहुत सारे घोटाला किया और उनके बेटा सुबल मंडल करोड़ों रुपया का घोटाला किया है, तो उसको जांच के लिए हम लोग आए हैं। किसी का घर अधूरा है, पैसा नहीं दिया, किसी का डबरी पुराना डबरी दिखा के पैसा लिया निकाल लिया, शौचालय कंप्लीट नहीं है और मशीन द्वारा पूरा टोटल काम और किसी को जॉब कार्ड नहीं दिया ना पासबुक दिया। तो जॉब कार्ड पासबुक किनके पास है? तो सरपंच के पास ही। तो आप लोग कभी नहीं मांगे उनसे? कभी मांगने से देता ही नहीं, नहीं देता, दूंगा करके बोलता है, नहीं देता। पोस्ट ऑफिस से पैसा खुद निकलता है और खुद लोगों को बांटता है, किसके नाम से बनाया किसके नहीं ये किसी को पता नहीं, क्योंकि मशीन से काम किया। तो सरासर सरपंच के बेटे ने दबंग ही दिखा रहे हैं? हाँ, वो पूरा दबंग दिखा रहा है वो, और पैसा है उसके पास,
वो कहीं भी पैसा फेंकता है बस अपना आप निकल जाता है। इसके पहले भी सीओ सर को कंप्लेंट किया था, एसडीएम को किया था, क्राइम ब्रांच तक आया था, सब पैसा खा के दब गया। हम लोग पंचायत के बहुत सारे कार्य पंचायत का मत का जो कार्य है सर अनियमित से चल रहा है, अनियमित से पंचायत में कार्यो का राशि आरंभ हो रहा है लेकिन कोई काम पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। घोटाला किया है, घोटाला चल रहा है सरपंच के मत। गांव में कौन कौन सा विकास कार्य में घोटाला हुआ है? मनरेगा कार्य है जो डोबरी का है और राष्ट्रीय रोड का है, सड़क रोजगार गारंटी कार्यों का है, मूलभूत कार्यों का है, नल जल का है, शौचालय का है, बकरी सेट का है, शौचालय का है, बैला सेट का है, इंदिरा आवास का है, हर मत का सर घोटाला है, हर मत का सर घोटाला चल रहा है। किसी को पैसा नहीं मिला, ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है और कोई पैसा मांगता है वो दबंगा दिखा के अपना मतलब निकाल लेता है। तो सीओ साहब से जब कंप्लेंट किया, सीओ साहब ने क्या कहा? एनएसयूआई के आरिफ हुसैन के नेतृत्व में छात्रों द्वारा डिग्री कॉलेज में अगले सत्र से ड्रेस कोड लागू करने के निर्णय का प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया गया। एनएसयूआई के आरिफ हुसैन ने बताया कि अगले सत्र से डिग्री कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है, इससे छात्रों में काफी रोष व्याप्त है। सभी छात्रों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर इस निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं इसके बाद अपनी सारी मांगों को ज्ञापन के रूप में प्राचार्य को सौंपा। इसके बाद आक्रोशित छात्र प्राचार्य के कार्यालय में ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद प्राचार्य ने एक सप्ताह का समय मांगा और उनकी मांग को ऊपर तक पहुँचाने की बात कही। इस संबंध में छात्रों का कहना था कि लंबे समय से महाविद्यालय में रिक्त पड़े व्याख्याताओं के पदों को तो सरकार द्वारा भरा नहीं जा रहा है, उसके बजाय ऐसे छात्रों के अधिकारों के ऊपर तनाशाही करते हुए उनसे उनके स्वतंत्रता के अधिकार छीने जा रहे हैं। गरीब बच्चों के ऊपर ड्रेस के खर्च का और भार डालने की तैयारी की जा रही है। छात्रों ने कहा कि इस निर्णय को हम सरासर नकारते हैं और इसे वापस लिया जाना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। एनएसयूआई के आरिफ हुसैन ने कहा कि पहले तो डिग्री कॉलेज में प्राचार्य छात्रों की मूलभूत जरूरत जैसे शिक्षकों की कमी आदि विभिन्न समस्याओं को दूर करें और अपनी तनाशा नीति को जबरन छात्रों पर थोपना बंद करें। अगर इस निर्णय को जल्द वापस नहीं लिया गया तो छात्र इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, वर्तमान में चल रही परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ की समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। प्रिंसिपल द्वारा छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य रूप से ड्रेस लागू कर दिया गया था, जिसके विरोध में हम लोगों ने प्रिंसिपल कक्ष के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताते हुए मांग किया है। तो प्रिंसिपल सर ने हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई बेहतर विकल्प निकालेंगे और जहां तक हो सके तो अगले सत्र में ही ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। महाविद्यालय में ड्रेस कोड विद्यार्थियों की सहमति से लागू करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ छात्रों ने इस पर अपने विचार दिए हैं कि ड्रेस कोड के संबंध में प्रशासन कुछ चर्चा करे और इस पर विद्यार्थियों के हित में क्या उचित हो सकता है उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी प्रशासन निर्णय लेगा छात्र हित को ध्यान में रखकर लेगा। यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से स्कूल लाइफ में पूरे 12 तक के पढ़े हैं, अब जो कुछ हमारी फ्रीडम वाली लाइफ है कॉलेज की उसमें भी अब हम यूनिफॉर्म में थोड़ी आएंगे। यूनिफॉर्म में प्रॉब्लम फिलहाल सूट से ज़्यादा प्रॉब्लम। किस प्रकार का ड्रेस कोड आपको बनाया गया है? पिंक कलर की कुर्ती और ब्लू कलर की मतलब नीचे सलवार। बॉयज के लिए क्या प्रॉब्लम है ड्रेस कोड के लेके, आपको क्या क्या चाहते हैं? सूट के लिए तो नहीं पहनना, और अपन केजी 1 से 12 तक तो सूट पहनते ही आए हैं, जो कुछ हमारी कॉलेज वाली लाइफ है, हमारी फ्रीडम वाली लाइफ जिसमें हम मैच्योर हैं, उसमें भी हम ड्रेस पहन के नहीं आते। सरकारें बदल गई, जनप्रतिनिधि भी बदल गए, पर जो नहीं बदला वो है जमीनी हालात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के चिरमिरी नगर पालिका के गोदरी पारा की। इसे विडंबना कहे या कुछ और, लेकिन यह सच्चाई है कि यहाँ की सड़क गड्ढों से अटे पड़े हैं, जबकि इस रास्ते से विधायक से लेकर बड़े अधिकारियों का हर दिन आना जाना लगा रहता है।
आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा यह नजारा किसी बीहड़ गांव या कस्बे का नहीं है, बल्कि नगर पालिका चिरमिरी के गोदरी पारा का है, जहां के लोग आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक ओर शहर के चौराहों की रोड की परत उखड़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर शहर को बैंकुटपुर से जोड़ने वाली डोमन हिल, गेल्हापानी, कोरिया व लक्ष्मण झरिया मार्ग बद से बदतर हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों पहले किया गया था। वहीं गोदरीपारा स्थित जिस वार्ड में रहने वाले विधायक विनय जायसवाल खुद ही इस सड़क से आना जाना करते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग पर भारी भरकम गड्ढा होने के कारण उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहीं पे इसी वार्ड में निवास करता हूँ और बराबर जो यहाँ पे जो मेन रोड में जो गड्ढा है, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो है नगर पालिका निगम चिरमिरी कमिश्नर, स्थानीय विधायक एवं वार्ड पार्षद को बराबर शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बड़ा गड्ढा हो जाने के कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है। यहाँ पे मेन रोड होने के कारण जो है स्कूल बसें, संजीवनी एक्सप्रेस, तमाम जो है मरीज वगैरह भी यहाँ से यहाँ आना जाना होता है, लेकिन अभी तक प्रशासन को जो है इस ओर कोई भी नज़र नहीं आया। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का बताना है कि हमने जो शिकायत किया, कहे कि इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर कब हुआ है इसका किसी की जानकारी नहीं, काम कब होगा ये नहीं मालूम, लेकिन अभी फिर भी तत्काल इसको जो है रिपेयरिंग की आवश्यकता है। इसको प्रशासन को तत्काल जो है इसकी रिपेयरिंग कराना चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना अपनी घटना घटित होने से जो है उसको बचाया जा सके, यही मेरा कहना है। ये रोड्स, मेन रोड्स गोदरीपारा से डोमन हिल जो मेन रोड्स है उसमें SECL द्वारा टेंडर फ्लोट कर दी गई है और टेंडर किसी ठेकेदार को अवार्ड कर दिया गया है। जल्दी से जल्द हम SECL से आग्रह करेंगे उस निर्माण को शुरू करें, क्योंकि वो SECL का रोड होने के कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और गड्ढे को तुरंत अभी रिकवर कर देंगे और फिर उसके ऊपर BT रोड बनाएंगे, तकनीकी रूप से थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि SECL तुरंत निर्माण शुरू कर दें ताकि वो गड्ढा मुक्त रोड हो सके। कि पुल और कलवर्ट का निर्माण मेरे संज्ञान में आया था तो मैं तत्काल उस पर पुल और कलवर्ट का निर्माण कराया है। आगे जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि निर्माण कार्य पूरा हो सके। गोदरीपारा बड़ी बाजार चीर घर से लेके कोरिया तक का जो SECL का ट्रांसपोर्ट लेन है उसके मरम्मत और BT रोड का टेंडर हो चुका है। मेसेस रामनिवास पोद्दार फर्म उस रोड को बनाने जा रहा है। नगर निगम अपने सीमित बजट के हिसाब से जो हमारी सड़कें हैं, हमने अभी हल्दीबाड़ी और डोमन हिल के अंदर का सड़क बनाया है, GM कॉम्प्लेक्स का बनाया है, पौड़ी के अंदर का सड़क बनाया है, अन्य सड़कों के लिए भी हमारा योजना चल रहा है और हम उस पर काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि यह दुखद है जिस तरह से आज लोगों ने आंदोलन किया है। हमें तो इस आंदोलन की कोई जानकारी नहीं थी और न ही मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था को इसकी जानकारी थी। नगर निगम के विरुद्ध आंदोलन करना ये नागरिकों का अपना अधिकार है और भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। जब कभी भी शासन प्रशासन से अगर उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो इस प्रकार से आंदोलन करके जगाने का काम होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आज का जो ये सड़क जाम करने का जो ये आंदोलन था ये पूरी तरह से गलत है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैंने उन मित्रों को भी जानकारी दिया है जब कभी भी मेरे पास फोन आए हैं कि हम उसका टेंडर कर चुके हैं। चूंकि वो SECL का ट्रांसपोर्ट लेन है इसलिए हमने उसको SECL से उसकी स्वीकृति कराई है और मुझे खुशी है कि हमारे SECL चिरमिरी एरिया के प्रबंधन ने उस सड़क की स्वीकृति ले ली है, टेंडर भी हो गया है। अब जब यह पूरा मामला मीडिया की जद में आया है तो जिम्मेदार प्रतिनिधि और अफसर इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। बात करें इस असुविधा पर सियासत की तो वह भी नेताओं और अफसरों की बयानबाजी से साफ समझा जा सकता है। बहरहाल बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राजनीति से अलग यहां के लोगों की उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। INN24 के लिए कोरिया से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया सर्व आदिवासी समाज सम्मेलन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने बलौदाबाजार जिले के बगमल्ला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। मंत्री कवासी लखमा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की सरकार गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों की सरकार है, यह जनता की सरकार है, यह भाजपा डॉक्टर रमन सिंह जैसे मोबाइल बांटने वाली सरकार नहीं है।
मंत्री कवासी लखमा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने के दावे किए थे, लेकिन आज तक अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को झूठा पीएम करार दिया। आज मेरे को सर्व समाज के, आदिवासी समाज के और केरवार समाज के लोग बुलाए थे बिलाईगढ़ विधानसभा बलौदाबाजार जिला में। मैं पहला बार नहीं आया हूँ। हरियाणा से हमारे बड़ा नेता इस आज़ादी के लड़ाई शायद मीरा नारायण सिंह के क्षेत्र में आदिवासी लोग बहुत रहते हैं, उन्हीं को देखने उनका सम्मेलन में शामिल होने आया हूँ। आदिवासी लोगों को बहुत समस्या है, जंगल का जमीन पट्टा नहीं मिल रहा है, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हम पूरा कोशिश करेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार माननीय भूपेश बघेल जी का सरकार किसान मजदूर आदिवासी सबको लेके चलने वाला पहला बार कांग्रेस पार्टी का सरकार बना, इसलिए पूरा आदिवासी को उम्मीद है और इस क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है। इसलिए नौजवान साथी चंद्रदेव राय को यहाँ से बड़े मतों से चुनाव जीतवाए और छत्तीसगढ़ में सरकार बना। हिंदुस्तान में पहला बार कांग्रेस पार्टी का सरकार आने के बाद कर्जा माफी हुआ, 2500 रुपया देने का बात हुआ। इसलिए हम लोग पूरा लोगों से उम्मीद है छत्तीसगढ़ का विकास होगा, आदिवासी लोगों का विकास होगा, बिलाईगढ़ विधानसभा का विकास होगा। इसी कार्यक्रम में मेरे को बुलाए थे, मैं आज उन आदिवासी लोगों को बधाई दूंगा और इन लोगों का कोई भी काम अगर सरकार स्तर से होगा, मैं बोले उद्योग मंत्री हूँ, किसी भी विभाग का होगा उसको पूरा काम करने का कोशिश करूँगा। वही कार्यक्रम में बिलाईगढ़ विधानसभा के सभी कांग्रेसी नेता के साथ विभागीय अधिकारी और क्षेत्र के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर नाथलदाई मंदिर परिसर में ठेला गुमटी लगाकर अपने परिवार का पेट भरने वाले 80 दुकानदारों को रोजी रोटी छिन जाने का भय सताने लगा है। जनपद पंचायत द्वारा बनाई गई दुकान के आवंटन में प्राथमिकता नहीं देने से नाराज 80 दुकानदार जिला कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। दरअसल जनपद पंचायत द्वारा सारंगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाले नाथलदाई मंदिर परिसर में 22 दुकानों का निर्माण किया गया है। इन दुकानों को आरक्षण के आधार पर आवंटित करने के लिए निविदा जारी किया गया है, जिसमें न्यूनतम नीलामी की राशि 2,00,000 रुपए निर्धारित की गई है। नाथलदाई मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाले सभी छोटे दुकानदार हैं, जो आर्थिक रूप से इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के सक्षम नहीं है। इन दुकानदारों ने अपनी व्यथा रखते हुए कलेक्टर रायगढ़ को अपने ज्ञापन के माध्यम से यह अपील की है कि चूंकि वह लोग लगभग 30 साल से मंदिर परिसर में लघु व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता देते हुए जनपद द्वारा निर्मित 22 दुकानों को आवंटित किया जाए। जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने दुकानदारों को स्पष्ट तौर पर कहा कि नीलामी की प्रक्रिया में आरक्षण लागू है और ऐसे में आरक्षित वर्ग को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मंदिर परिसर को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाई गई 22 दुकानें 30 साल पुराने और स्थायी दुकानदारों के लिए मुसीबत का कारण बन बैठी है। अब जब जिला कलेक्टर से मिलने पर भी कोई हल नहीं निकला तो दुकानदार मुख्यमंत्री से मिलने का मन बना रहे हैं। अब देखना यह है कि जिले का विकास और व्यवस्था में किसी गरीब का रोजगार न छीन पाए, इसका नए सरकार के पास कोई हल है या फिर गरीब दुकानदार अपनी किस्मत को कोसते हुए हार मान लेते हैं। अभी वहाँ 22 दुकानें बनी हैं, जिसकी नीलामी प्रक्रिया 22 तारीख को रखी गई है। उसमें जाति वर्ग में रखा गया है नीलामी प्रक्रिया, तो हम लोग उसी संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और उससे कलेक्टर साहब से गुहार लगाए हैं कि नीलामी प्रक्रिया को रोकें और हमें आवंटित करें। 22 दुकानें जो बनी हैं जी, नीलामी होने जी वाली है, तो क्या आप लोगों को क्या कोई दुकान नहीं मिल रही है या आप लोगों को आपकी जगह से हटाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर नीलामी प्रक्रिया में हम लोग भाग नहीं ले सकते क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कलेक्टर महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे। आज कलेक्टर साहब से बात होने के बाद क्या नतीजा निकला, क्या कहना? कलेक्टर महोदय बोले हैं कि नीलामी प्रक्रिया तो विधिवत है, इसके बारे में हम लोग संशोधन नहीं कर सकते, उसमें आप लोगों को भाग लेना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ अगर दूसरी समस्या है तो उसमें बिल्कुल सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ, बोले। हमन ला दुकान नीलामी कर देते हैं, हमन कर उतना पैसा है नहीं, तो हमन कहाँ लो उतना दुकान ले सकबो। हमन ला छोटे मोटे दुकान चाहिए और 22 दुकान बने हैं, 22 के बाद मिल जाए
अब हमारे लोग बड़े बड़े पड़े हैं पैसा वाला, हम गरीब आदमी कहाँ ले लान बोध की है ना। दुकान कब की दिन है? हमन 78 सन दुकान है और सब बेसहारा, कोई ऐसे नहीं है कि वहाँ आदमी ऐसे सुबह शाम के हमन 150 रुपया ऐसे हमन लग कमाई उमाई मिला थे। अब 20-25 साल वहाँ हैं जो कि कुछ नहीं बने रही से, अभी आप लोगों को वहाँ से कुल मिलाकर हटाया जा रहा है। हाँ, जांजगीर चांपा जिले के हरदी जरवे के ग्रामीणों ने गांव के सरपंच सचिव पर शौचालय निर्माण की राशि गबन करने, पीएम आवास में हितग्राहियों के नाम की चयन सूची में गड़बड़ी के साथ 14वें वित्त की राशि गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर मामले की जाँच की मांग की है। ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलने पर अकलतरा जनपद के सीईओ ओवेश धृत लहरे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के ज्ञापन को लेकर सरपंच सचिव के खिलाफ मिली शिकायत पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय निर्माण की राशि भुगतान शीघ्र कराने का भरोसा दिलाया। शौचालय का राशि इनको पूर्ण नहीं मिला है और सचिव के संबंध में इनने शिकायत की है कि वो मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते, तो इन कारणों से इनके द्वारा चक्का जाम आज किया गया है। इसके संबंध में हमारी तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है, जो भी राशि इनकी शेष है इनको मिलना, उसके लिए शासन से हम मांग करेंगे और शासन से जैसी राशि मिलेगी इनका पूर्ण भुगतान कराया जाएगा। पता चला है जैसे हम लोग वहाँ गए थे जिला पंचायत, वहाँ हम लोग को शिकायत लेकर गए थे पहले कलेक्टर साहब के साथ, कलेक्टर से आदेश मिला कि जाओ शौचालय का पैसा नहीं मिला है, बोलकर गए थे हम लोग लगभग 8 से 8-10 जने को यहाँ पैसा मिलना है, वो डीएम घोषित हो चुका है हमारे गांव। अभी तक सिर्फ 200 लोगों को ही पैसा वितरण किया गया है, वो भी आधा अधूरा, किसी को 9,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000। तो हम लोग को अपना पूरा हिस्सा चाहिए सर, इसलिए हम लोग चक्का जाम किए हैं और सरपंच और सचिव के पास जाते हैं तो इस तरह की जानकारी मिलती नहीं है हमको, जैसा उनको बोलते हैं उसके हिसाब से हमको जानकारी मिलती है, कार्यालय में रहता भी नहीं है सचिव। घर जाते हैं तो सरपंच लोग बोलते हैं हमारे घर में चढ़ावा करने आए हो क्या, मारने आए हो हम लोग को, ऐसा बोल देते हैं, उसके भतीजे लोग कार्रवाई करते हैं सर। इसलिए हम लोग सचिव और सरपंच के वहाँ जाते थे, थक गए कलेक्टर ऑफिस, उसके बाद हम उस सीओ ऑफिस भी गए थे एक दो बार, सीओ से मुलाकात नहीं हुआ सर, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम आज चक्का जाम कर रहे हैं ताकि हमारा हक हमको मिलना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर वो जांच करेंगे, सीओ साहब ने बोला है जो गुणवत्ताहीन टॉयलेट्स हैं शौचालय हैं उनको उनको भी देखेंगे, उनके लिए जांच करेंगे, साथ में शौचालय की भुगतान राशि है अगर वो नहीं मिली है तो उसके लिए भी जांच होगी। मतलब एक हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया है और अगर एक हफ्ते में वो नहीं करते तो फिर हम लोग एनएच में बैठेंगे। नेशनल हाईवे 53 पर आरंग के पास सराईपाली से रायपुर जा रही बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, इसमें मौके पर ही 4 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं अनेक सवारी घायल हो गए, घायलों को उपचार के लिए आरंग स्थित अस्पताल लाया गया है। थाना प्रभारी कृष्णा जांगड़े से प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी जीत ट्रेवल्स की बस और ट्रक के बीच बुधवार दोपहर आरंग के पास भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि 4 यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई, कई यात्री घायल हो गए। बस के दुर्घटना होने की सूचना पर लोग तेजी से घटनास्थल की ओर भागे और बस में फंसे यात्रियों को निकाला और आरंग स्थित अस्पताल पहुंचाया। मरीजों के अचानक बड़ी संख्या में आने से अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई, मौत के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। 25 से 30 यात्री घायल है जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बलौदाबाजार जिला अंतर्गत ग्राम भिलाईगढ़ में देवांगन समाज द्वारा आयोजित माता परमेश्वरी का भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें जस गीत की सुपरस्टार देवेश शर्मा की भव्य प्रस्तुति देखने को मिली। साथ ही नगरीय प्रभारी व श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया भी शामिल हुए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवांगन समाज के कुल देवी की पूजा अर्चना कर कलश यात्रा निकाली गई तथा पूरे समाज के लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से व एक त्यौहार की भांति मनाते दिखे। इस कार्यक्रम में आए हुए जसगीत में सुंदर रूप से झांकी की मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिली। इस कार्यक्रम में पूरे पत्रकार व पुलिस टीम एवं तहसीलदार भी शामिल हुए। हमारे देवांगन समाज परमेश्वरी महोत्सव के नाम से इकट्ठा होते पूरा प्रदेश भर में परमेश्वरी जयंती
और परमेश्वरी जयंती के बाद महोत्सव का आयोजन करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ आयोजन जो होते हैं बहुत अच्छा आयोजन है, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। सबो समाज अपन जो संत होते जो देवी देवता होते उनका नाम लेके आयोजन करते और सब इकट्ठा होके समाज के विकास के बात करते। हम सब इकट्ठा हो तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ाए के लिए मिल बैठ के चर्चा करबो, बात करबो, एक से समाज आगे बढ़े के अन्य समाज के प्रति अन्य समाज के समक्ष आए के लिए हमें प्रेरणा मिलते, तो ऐसे आयोजन होना चाहिए। बीजापुर जिले में नक्सलियों की विचारधारा से प्रताड़ित होकर एक महिला सहित 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह समर्पण बस्तर आईजी और बीजापुर एसपी के समक्ष किया गया है। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 3 लाख के 2, 2 लाख के 2 और 1 लाख का 1 इनामी नक्सली शामिल है। बताया गया कि इन नक्सलियों में प्लाटून नंबर 2 और 22 का कमांडर शामिल है। समर्पित नक्सलियों ने 2 भरमार और 1 .315 पिस्टल के साथ आत्मसमर्पण किया है। समर्पित नक्सलियों में से 5 पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इनाम घोषित किया था। आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकार की योजना का लाभ दिया जाएगा। एक तरफ शहर के हृदय स्थल बुधवारी में ट्रेलर से कुचलकर हुई महिला वकील की मौत पर बवाल जारी था, तो वहीं बांगो थाना के बरौद खार में भी खूनी ट्रेलर ने 2 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों ही बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं घटना की सूचना पाकर बांगो पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो गई है। जांजगीर चांपा जिले के जय जयपुर थाना क्षेत्र के पंचायत के फैसले ने एक गरीब परिवार को न्याय की आस में पुलिस की चौखट तक पहुंचा दिया है, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दबंगों ने पंचायत में पीड़ित परिवार का हुक्का पानी बंद करने का तुगलकी फरमान सुना डाला। दबंगों का फरमान है कि जिस किसी ने भी इस परिवार से ताल्लुक रखा उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और देखने वाले शख्स को 500 देकर पुरस्कृत किया जाएगा। हैरत की बात यह है कि पंचायत के फैसले से हतप्रभ पीड़ित परिवार ने जयजयपुर थाना पहुंचकर शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन जब पीड़ित परिवार से उनसे कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रकरण में संज्ञान नहीं लेने और कार्रवाई नहीं करने की बात की है। पूरा गाँव में मतलब हुक्का पानी बंद कर दे जाना, दुकान उकान में कुछ सामान उमान नहीं देवाए। इसने कोई मतलब ये मर्दू साल के लड़का है, तो हुत लड़का तक ला कोई नहीं अच्छा भाई गोठिया भाई ना कोई लड़का मन संग महिला खिलावा नहीं दुख मर बेटी है। मन जब भी दुकान जाए बर उठे तो दुकान लेके जथन तो मतलब सामान नहीं देवान, तू मतलब सामान नहीं देवान कथे। पूरा हुक्का पानी बंद करे है गाँव के मन छोड़े है तू मनला तो ओकरे बनी देन कके कथे। पानी उनी पर भी ओमन अपन जब पंचायत मीटिंग जरूरत थे ना तो मेरे मना करते। अब एक बार में तो मैं बोरिंग गे रहे हैं, मेरे कहीं मोला मैं पहले के गे रहे हैं पीछे इस मन भरी तो मैं बोले मैं तो पहले क्या है तुम कैसे मोला भरा नहीं देता कहें था तुम मतलब तो गांव बस्ती छोड़े है पूरा हुक्का पानी बंद करे है तुम मतलब बोरिंगों के पानी नहीं पियाँ देवान कब कही तो मैं कहें बोरिंग तो सरकारी बोरिंग है मैं काकरो घर के तो बोरिंग में नहीं गया लेगे तो सरकार के चीज़ है मैं काब नहीं ले गया पानी करके मैं लाने कि लोग का पानी बंद किए हैं बाथरूम बंद किए गए हैं। कुछ संबंध में जांच किया गया जो पाया गया कि गांव वाले उनसे बात नहीं करते हैं, दुकान में सामान नहीं देते हैं, सामान लेने जाते हैं बच्चे लोग तो उसके लिए देते हैं। अनावेदक पक्ष से कथन किया गया वो लोग बताए। लिंगा महादेव की नगरी नवागढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस आचार्य पंडित श्री बालकृष्ण पांडे जी के द्वारा भागवत कथा के दौरान वामन अवतार, समुद्र मंथन और श्री कृष्ण जी की जन्म की कथाओं का नगर पंचायत नवागढ़ के श्रोताओं तक विस्तार से वर्णन किया गया। लिंगेश्वर महाराज की नगरी नवागढ़ में श्री पद्मलाल देवांगन के गृह निवास पर श्रीमान भागवत कथा 16 फरवरी से प्रारंभ हुए 23 फरवरी तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए नवागढ़ के श्रोताओं के साथ आसपास के गांव से भक्तों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ रही है। जय माँ परमेश्वरी, जय माँ परमेश्वरी स्वयं सहाय। Oh, 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 oh
देखा ये तो बल्कि तो बामन नहीं बल्कि चतुर्भुज नारायण है। द्रोणाचार्य जी महाराज के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बलि को बुलाया, बलि धरा, बलि कौन से रुद्र क्या है, इसको एक घंटे भी मत देना, एक इंच भी मत देना। मंदारी की व्यवस्था करवा देंगे, इनके बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था कर देंगे। वामन भगवान मुस्कुरा दिए, हंस दिए वामन भगवान। जब वामन भगवान हंसे कहने लगे, हे बलि, आपको बलि कहते हैं। क्या हो महाराज, सब आपको इंतजार कर रहे हैं, तो महाराज के नाश्ते से नहीं यहाँ बोल रहे हैं, बताओ नाचोगे ना कन्हैया के लिए, जोर से बोलो, और नहीं नाचोगे तो कन्हैया चले जाएंगे, फिर बता रहा हूँ। पासे में है चापा, ठीक है, क्या बोलेंगे और जोर से, देखो चुप हो गए कन्हैया, नाचने का नाम लिया तो चुप हो गए, देखो चलिए भाव सभी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.